एक समय की बात है, अनुराधा अपनी जुड़वा बेटियों प्रिया और मीनू के साथ रहा करती थी। अनुराधा के पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद से अनुराधा ही अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रख रही थी। अनुराधा के पति की एक कपड़ों की दुकान थी। अपने पति के जाने के बाद से अनुराधा उसी कपड़ों की दुकान को संभाल रही थी और उसी कपड़ों की दुकान की सहायता से वो अपने घर का खर्चा चलाती थी, क्योंकि उनके कपड़ों की दुकान काफी अच्छी थी और उस पर काफी अच्छी मात्रा में ग्राहक भी आते थे, इसलिए उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। और इसलिए अनुराधा प्रिया और मीनू को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजती थी। फिर ऐसी ही एक सुबह, मैंने तुम दोनों का लंच पैक कर दिया है और तुम्हारे बैग में भी डाल दिया है, ध्यान से खा लेना, तुम लोग हमेशा लंच आधा वापस लेकर आते हो। ठीक है माँ, हम खा लेंगे, लेकिन आप भी दुकान पर समय से खाना खा लेना। हाँ माँ, मीनू बिल्कुल सही कह रही है, आप काम के चक्कर में खाना खाना भूल जाती हैं। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं खा लूंगी, चलो चलो अब तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। इसके बाद मीनू और प्रिया स्कूल के लिए निकल जाती है और अनुराधा दुकान पर चली जाती है, परंतु उस दिन दुकान पर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। अनुराधा जब एक टेबल पर चढ़कर कपड़ों को डिस्प्ले पर लगा रही होती है कि तभी अनुराधा का पैर फिसल जाता है और वो सर के बल नीचे गिर जाती है। उसके सर पर गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। जब मीनू और प्रिया घर आती है और उन्हें ये बात पता चलती है तो वो सीधा अस्पताल जाती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? माँ आंखें खोलो, डॉक्टर हमारी माँ को क्या हुआ है, ये ऐसे बेहोश क्यों है? हाँ डॉक्टर बताइए ना, क्या कोई खतरे वाली बात है? देखो बच्चों, तुम्हारी माँ के सर पर बहुत गहरी चोट आई है और वो चोट अंदरूनी है, इसलिए उसका इलाज करना भी मुश्किल है और इलाज में बहुत पैसे भी लगेंगे। कितने पैसे डॉक्टर साहब? लगभग 5 से 6 लाख रुपए। डॉक्टर के मुंह से इतनी बड़ी कीमत सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती है, क्योंकि उनका अपना कोई बड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि माँ के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लेकर आएंगे। अगर 10-20 हजार की बात होती तो हम माँ की जमा पूंजी से ला सकते थे, लेकिन इतने सारे रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अब तो एक ही रास्ता है मीनू। कैसा रास्ता प्रिया? हमें अपनी कपड़ों की दुकान गिरवी रखनी होगी। अगर हम अपने कपड़ों की दुकान गिरवी रख देंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। पर वो दुकान हमारे पापा की आखिरी निशानी है, अगर वो हमारे हाथ से चली गई तो माँ कभी हमें माफ नहीं करेगी। तो चिंता क्यों करती है, हम जमीन बेच थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ उसे गिरवी रखेंगे और बाद में पैसे चुका देंगे। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो हमारी दुकान को गिरवी रखकर हमें इतने पैसे दे सके। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगती है जो उनकी दुकान को गिरवी रखकर उन्हें लगभग 5-6 लाख रुपए दे सके। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। परंतु फिर एक दिन मोहिनी नाम की एक औरत उन दोनों के पास आती है। मोहिनी की अनुराधा की दुकान के सामने ही कपड़ों की दुकान थी। अनुराधा के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण मोहिनी की दुकान पर कम ही लोग आते थे, इसलिए मोहिनी हमेशा ही अनुराधा से जलती थी और उसकी दुकान बंद करवाना चाहती थी। इसलिए जब अनुराधा को मीनू और प्रिया की इस बात का पता चलता है तो वो सीधा उन दोनों के पास आ जाती है और उनसे कहती है, बच्चों अनुराधा सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं है बल्कि मेरी सहेली भी है। हम दोनों बेशक आमने सामने दुकान चलाते थे, परंतु एक व्यापारी होने के नाते हमारे बीच मित्रता भी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस जमीन को अपने पास गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अरे वाह मोहिनी आंटी, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही दूर कर दी। ये लीजिए, ये हमारे कपड़ों की दुकान की जमीन के कागजात हैं। उन कपड़ों की दुकान के कागजात को देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लेकर वो मीनू और मोहिनी को पैसे दे देती है और फिर उनके सामने एक पेपर रख देती है और कहती है, मीनू प्रिया तुम दोनों इन पेपर्स पर साइन कर दो। मोहिनी आंटी, इस पेपर पर क्या लिखा है और आपको हमारे साइन क्यों चाहिए इस पर? देखो बेटा, मैंने जो तुम्हें रकम दी है वो छोटी मोटी नहीं है, इसलिए मुझे कोई सबूत तो चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें मुझे वो वापस लौटाने हैं। इस पर बस इतना लिखा है कि तुम्हें 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पैसे लौटाने हैं, नहीं तो तुम्हारी ये दुकान मेरी हो जाएगी। ठीक है आंटी, हम इस पर साइन करने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद दोनों बहनें मोहिनी के दिए हुए पेपर पर साइन कर देती है और उन पैसों को लेकर अस्पताल चली जाती है और अपनी माँ का इलाज शुरू करवाती है। कुछ ही दिनों में अनुराधा की हालत बेहतर हो जाती है और उसे होश भी आ जाता है, परंतु कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ता है। और फिर कुछ दिनों बाद मीनू और प्रिया अपनी माँ अनुराधा को लेकर घर पर आ जाती है। घर आते ही अनुराधा अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने बिठाती है और उनसे पूछती है, मीनू प्रिया मैंने आज हॉस्पिटल का बिल देखा, वो लगभग 6 लाख रुपए का था। तुम लोग इतने पैसे कहाँ से लेकर आए और तुमने हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा, जो है मुझे सच सच बताना। माँ हम जानते हैं कि हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप गुस्सा होंगी, लेकिन उस वक्त उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ माँ, मीनू बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपके इलाज के लिए लगभग 5-6 लाख रुपए चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने आपकी जान बचाने के लिए हमारे कपड़ों की दुकान गिरवी रख दी। क्या, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग जानते हो ना, वो कपड़ों की दुकान तुम्हारे पापा ने कितनी मुश्किल से शुरू की थी और वो दुकान तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। हम जानते हैं माँ, लेकिन उस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन तुमने वो जमीन किसके पास गिरवी रखी है? माँ हमने वो जमीन आपकी सहेली जो हमारी दुकान के सामने ही अपने कपड़ों की दुकान चलाती है उसके पास गिरवी रखी है। वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुसीबत के समय हमारी मदद की है। प्रिया की ये बात सुनकर अनुराधा अपने सर पर हाथ रख लेती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? वो मोहिनी कोई मेरी सहेली नहीं है, बल्कि वो तो एक दुश्मन की तरह है। वो हमेशा से ही यही चाहती थी कि हमारी दुकान बंद हो जाए ताकि उसकी दुकान अच्छी चले। लोग उसकी दुकान पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसी बात से उसे हमारी दुकान से जलन है और वो हमेशा से चाहती थी कि हमारी दुकान बंद हो जाए और तुम लोगों ने उसी के पास हमारी दुकान गिरवी रख दी। माँ हमें सच में इस बारे में नहीं पता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने हमें 6 महीने का समय दिया है। हम 6 महीने के अंदर अंदर उनके पैसे चुका देंगे और फिर वो हमें हमारी जमीन वापस कर देंगी। मैं 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे उस मोहिनी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, मेरी अलमारी में मेरी शादी के कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले जाकर सुनार को बेच दो और वो पैसे ले जाकर मोहिनी को दे दो और दुकान के कागजात वापस ले आओ। ठीक है माँ। इसके बाद दोनों बहनें ऐसा ही करती है। वो अपनी माँ के गहने लेकर सुनार के पास जाती है और उसे बेच देती है और वो सारे पैसे लेकर वो मोहिनी के पास पहुँच जाती है। ये लीजिए मोहिनी आंटी, ये रहे आपके पैसे और वो भी सूद समेत। अब कृपया करके हमें हमारी दुकान के कागजात वापस कर दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो, अब वो दुकान मेरी हो चुकी है। मोहिनी आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमें 6 महीने का समय दिया था और अभी केवल 1.5 महीने हुए हैं, हमने समय से पहले पैसे दे दिए। ये तुम दोनों की गलत फहमी है। जिस पेपर पर तुमने साइन किए थे उस पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर मेरे दिए हुए पैसे चुकाने हैं, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, और तुम दोनों ने उस पर साइन भी कर दिया था। मोहिनी की ये बात सुनकर दोनों बहनें पूरे तरीके से हैरान रह जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी माँ अनुराधा इतना क्यों डर रही थी। दोनों बहनें मोहिनी के आगे गिड़गिड़ाती है, परंतु मोहिनी उनकी एक नहीं सुनती। बेचारी दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो दुकान पापा की आखिरी निशानी थी। अगर माँ को ये बात पता चलेगी कि हमारी वजह से वो दुकान अब उनके हाथ से निकल चुकी है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, ऊपर से उनकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, अगर उन्हें ये बात पता चली तो ना जाने क्या होगा। वो दोनों बहनें बहुत दुखी होती है और आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया अपने हाथ और सर पर बहुत भारी पोटलियां लेकर चल रही है और उन भारी पोटलियों की वजह से उस बुढ़िया से चला भी नहीं जा रहा। उस बुढ़िया को देखकर दोनों बहनें भागकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उसकी भारी भारी पोटलियां अपने हाथों में उठा लेती है और उस बुढ़िया से कहती है, अम्मा जी ये पोटलियां आप हमें दे दीजिए और बताइए आपका घर कहाँ है, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इस दुनिया में तो लोग मदद मांगने पर भी मदद नहीं करते और तुम लोग यहाँ बिन मांगे ही मेरी मदद करने आ गए। हम लोग इंसान हैं और इंसान को भगवान ने इंसानी दिखाने के लिए ही बनाया है। चलिए आप हमें बताते जाइए, हम आपके साथ चलते जाते हैं।
इसके बाद वो दोनों बहनें उस बुढ़िया के साथ चलने लगती है। वो बुढ़िया उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, इसलिए दोनों बहनें अपनी सारी परेशानी उस बुढ़िया को बता देती है। फिर जैसे ही दोनों बहनें उस बुढ़िया के घर पहुंचती है, वो उनका सामान रखकर उस बुढ़िया से विदा लेकर वहां से वापस आने लगती है। लेकिन तभी वो बुढ़िया उन दोनों को रोक लेती है और अपनी पोटली में से एक बहुत ही सुंदर सोने का गाउन और एक जोड़ी चांदी की सैंडल निकालते हुए उन दोनों के हाथ में रख देती है और कहती है, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मेरी तरफ से ये जादुई सोने का गाउन और चांदी की सैंडल मैं तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। जादुई सोने का गाउन और जादुई सोने की सैंडल, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये दोनों जादुई चीजें तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम दोनों अपनी परेशानी से बाहर निकल सको। ये चांदी की सैंडल तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाएगी और ये सोने का गाउन तुम्हें अपार धन दौलत देगा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बुढ़िया का धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों उस जादुई सोने के गाउन का इस्तेमाल करके ढेर सारे धन को इकट्ठा कर लेती है और उस धन को लेकर वो मोहिनी के पास पहुंच जाती है और अपनी दुकान के बदले उसे वो सारा धन दे देती है। मोहिनी भी इतना सारा धन देखकर लालच में आ जाती है और उन लोगों को उनकी दुकान के कागजात वापस कर देती है। इसके बाद दोनों दुकान के कागज वापस लेकर घर आ जाती हैं। ये लीजिए माँ, हमारी जमीन के कागजात, अब हमसे हमारी दुकान कोई नहीं छीन सकता। अपनी जमीन के कागजात को वापस देखकर अनुराधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कुछ दिनों में ठीक होकर वो वापस से दुकान पर काम करने लग जाती है और अपनी दुकान की रक्षा और उन्नति के लिए दोनों बहनें जादुई सोने का गाउन और जादुई चांदी की सैंडल दुकान में ही रख देती है। क्योंकि अनुराधा ठीक हो जाती है, इसलिए वो और मेहनत से काम करने लगती है और फिर से उनकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाती है। परंतु इस बात से मोहिनी और भी ज्यादा जलने लग जाती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उन लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। उस थोड़े से धन की वजह से मैंने इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया। अब इन लोगों की दुकान फिर से चलने लग गई है और मेरी दुकान फिर से ठप पड़ गई है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर मोहिनी अनुराधा के कपड़ों की दुकान को आग लगाने के बारे में सोच लेती है और फिर एक रात को वो चुपके से अनुराधा की दुकान में जलती हुई लकड़ियां फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। परंतु सुबह जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहां भीड़ लगी हुई है। उसे लगता है कि ये भीड़ अनुराधा की दुकान जलने के कारण लगी है। परंतु जब वो भीड़ के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ही दुकान जलकर राख हो गई है और ये सब जादुई चांदी की सैंडल की वजह से ही हुआ था। परंतु अब मोहिनी सर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और इससे मोहिनी को एक अच्छा सा सबक भी मिल जाता है और उस दिन के बाद से वो कोई चाल नहीं चलती और यहाँ दूसरी ओर अनुराधा अपनी दुकान सच्ची मेहनत से चलाने लगती है और अपने दोनों बेटियों के साथ ऐसी ही हंसी खुशी रहने लग जाती है। बादलों में तीन जादुई केक के घर। एक समय की बात है, सोनम अपनी छोटी बहन रिया और अपने माता पिता के साथ माधव नगर नाम के एक गांव में रहा करती थी। उनका ये छोटा सा परिवार गांव में खेती करके अपना गुजारा चलाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक एक महामारी के कारण सोनम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दोनों बहनों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनका उनके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। अपने माँ बाप को खो देने के बाद दोनों बहुत ही अकेली हो जाती है। सोनम जानती थी कि वो बड़ी है और उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है, इसलिए वो खुद को और अपनी छोटी बहन को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पैसों की कमी के कारण रिया अब स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी मुझे स्कूल जाना है, मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं और कहती है कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं अनपढ़ रह जाऊंगी और अनपढ़ लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। मैं जानती हूँ रिया, तू स्कूल जाना चाहती है पर तेरी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि अब तो घर में राशन की भी कमी होने लगी है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
वो दोनों बहनें कुछ सोच रही होती है कि तभी एकदम से रिया कहती है, दीदी आपको याद है आपने मेरे बर्थडे पर एक बार केक बनाया था, वो केक इतना टेस्टी था कि हर किसी को पसंद आया था और हर किसी ने आपके केक की तारीफ की थी। हाँ वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, उस दिन तो गांव के सरपंच जी ने भी मेरे केक की तारीफ की थी। हाँ इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी एक बेकरी खोल लेनी चाहिए, आप सच में बहुत ही टेस्टी केक बनाती हो, अगर आपने बेकरी खोल ली तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर मैं जानती हूँ कि अब आप पैसों की बात करोगी, देखिए हमारे पास पैसे नहीं है पर हमारे पास ये हमारा छोटा सा घर तो है ना, आप इसे जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लीजिए और जब बेकरी से वो पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो जमींदार को देकर अपना घर उससे वापस ले लेंगे। बात तो तेरी सही है, छोटी होकर भी तू कितनी समझदारी की बातें करती है, थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। इसके बाद सोनम जमींदार के घर जाती है और जमींदार को घर के कागज देते हुए सारी बात बताती है, जिसके बाद जमींदार कहता है, देखो सोनम मैं तुम्हें अभी ही सारी चीजें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर के कागज छुड़वा लेना वरना एक साल के बाद तुम्हारा घर मेरे कब्जे में हो जाएगा। सोनम पहले थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर अपनी बहन की बातों को याद करके घर गिरवी रखने के लिए हामी भर देती है और फिर जमींदार से पैसे लेकर घर आ जाती है। उन पैसों से सोनम एक बेकरी खोलती है और घर का राशन भी ले आती है और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से वो रिया की स्कूल की फीस भी भर देती है, जिससे रिया फिर से स्कूल जाने लगती है। सोनम की बेकरी के ही सामने एक मालती नाम की औरत की बेकरी भी थी, पूरे गांव में केवल उसी की एक बेकरी थी जिस वजह से सभी लोग उसकी दुकान से ही केक खरीदा करते थे। मालती को सभी जानते भी थे और उसके केक से वाकिफ भी थे और गांव के बहुत सारे लोग उसके रेगुलर कस्टमर थे, इसलिए सोनम की बेकरी मालती की बेकरी के आगे चल नहीं पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन सोनम की बेकरी बिल्कुल भी नहीं चलती, जिसके बाद वो अपनी बहन रिया से कहती है, रिया मुझे अब डर लग रहा है, क्या सच में हमने जैसा सोचा था वैसा हो पाएगा, कहीं इस बेकरी के चक्कर में हमारा ये घर भी ना चला जाए। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ परेशानियाँ आती है पर अंत में जीत मेहनत करने वालों की ही होती है। अपनी बहन की बात मानकर सोनम बेकरी चालू रखती है। फिर एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी मेरी एक हेल्प कर दो। बोल। दीदी आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे पास उसे देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है पर अगर आप उसके लिए एक बर्थडे केक बना दोगी तो मैं उसे गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। ठीक है। इसके बाद सोनम एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर रिया को दे देती है। रिया वो केक अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। जब सभी लोग वो केक खाते हैं तो वो केक की तारीफ करते रुकते नहीं है, सबको ही वो केक बहुत पसंद आता है। तभी रिया की एक सहेली रिया से कहती है, रिया ये केक तो सच में बहुत टेस्टी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है, प्लीज मुझे उस शॉप का एड्रेस दे दो ना जहाँ से तुम ये केक लेकर आई हो। हाँ यार रिया प्लीज मुझे भी देना वो एड्रेस, इसके फ्लेवर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। रिया सबको अपनी बहन की बेकरी का एड्रेस दे देती है और धीरे धीरे सोनम की दुकान पर लोगों की भीड़ जुड़ना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर मालती धीरे धीरे सोनम से चिढ़ने लगती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके रहते हुए गांव में किसी और की बेकरी चल रही है। अब समय के साथ साथ मालती के कस्टमर्स भी सोनम की दुकान पर जाने लगते हैं। ये सब मालती बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और फिर मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया है सोनम का, मेरे रहते हुए इसने मेरे ही दुकान के कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इसके खुद के ही कस्टमर इसकी पूरी बेकरी को तहस नहस कर देंगे। मालती ऐसे मौके का इंतजार ही कर रही होती है और उसे ऐसा मौका मिल भी जाता है। सोनम को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है, उसमें उसे 50 केक बनाने होते हैं। सोनम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रिया सच में अगर ये ऑर्डर सही से निकल गया ना तो मैं हमारा घर छुड़वा लूंगी और उसके बाद हम इस छोटी सी बेकरी को एक बड़ी दुकान में बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट दीदी। सोनम कुछ ही दिनों में 50 केक बनाकर तैयार कर लेती है। डिलीवरी से एक दिन पहले सोनम सारे केक को बेकरी में अच्छे से रखकर घर चली जाती है।
परंतु मालती किसी तरह सोनम की बेकरी में घुस जाती है और उन सभी 50 केक में एक केमिकल मिला देती है। इसके बाद जब सोनम उस केकों की डिलीवरी करके आती है तो अगले ही दिन कुछ लोग सोनम की बेकरी पर आते हैं और उसकी बेकरी में आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि उसके घर में भी आग लगा देते हैं। सोनम, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने ना जाने केक में क्या मिलाया। हमारे सारे मेहमान बीमार पड़ गए हैं, आधे से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। अब हम ना तो तुम्हारी बेकरी चलने देंगे और ना ही तुम्हें इस गांव में रहने देंगे। ऐसा कहकर लोग सोनम और रिया को गांव से भगा देते हैं। सोनम और रिया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। सोनम सर पर हाथ रखकर रो रही होती है। मैं माँ बाबा की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सच में केक में कुछ नहीं मिलाया था। ना जाने ये किसकी हरकत है, कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा। इस पर रिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सोनम और रिया को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। सोनम और रिया उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें पेड़ पर एक परी रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद सोनम और रिया मिलकर उस परी को आजाद करते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, एक चुड़ैल ने मुझे इस मायावी रस्सी से इस पेड़ पर लटका दिया था। पर आप तो परी है ना, आपके पास तो जादू होगा, आप अपने जादू से खुद को आजाद कर सकती थी। हाँ, पर मेरा जादू मेरी छड़ी में है जो कि मेरे पास नहीं है। अगर आपकी छड़ी आपके पास नहीं है तो कहाँ है? मेरी छड़ी बादलों में बने जादुई केक के घर के अंदर है। वो जादुई केक रानी परी ने मुझे मेरे जन्मदिन यानी आज गिफ्ट में दिया था और मेरी जादुई छड़ी भी उसी में थी, लेकिन एक चुड़ैल ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और मैं धरती पर आ गई, जिसमें मेरी छड़ी वहीं बादलों में बने जादुई केक के घर में रह गई। कृपया मेरी मदद करो और मेरी छड़ी वहां से ले आओ। पर हम बादलों में पहुंचेंगे कैसे? रिया की इतनी बात सुनते ही परी धरती से बादलों तक पहुंचने वाली सीढ़ी बना देती है। फिर दोनों बहनें उस सीढ़ी पर चलकर बादलों में पहुंच जाती है, लेकिन उन दोनों को वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जादुई केक के घर दिखाई देते हैं। इसमें से परी का जादुई केक का घर कौन सा है? तभी पहले जादुई केक के घर से आवाज आती है। तुम्हारा स्वागत है लड़कियों, तुम मेरे जादुई केक के घर में आओ। मेरे घर में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ है, जिसे पाकर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। तभी दूसरे जादुई केक के घर से आवाज आती है। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ, मेरे घर में आते ही तुम्हें शानो शौकत सब प्राप्त हो जाएगी। तभी आखिरी जादुई केक का घर कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ पर तुम नटखट परी की जादुई छड़ी लेने आई हो, वो मेरे घर के अंदर है, तुम जल्दी से जाकर उन्हें वो छड़ी दे दो। पर हाँ, ऐसा करने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फैसला तुम्हारा है। सोनम कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उस परी ने हम पर विश्वास किया है, हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम आखिरी वाले जादुई केक के घर में जाएंगे। सोनम के ऐसा कहते ही पहले दो जादुई केक के घर गायब हो जाते हैं। इसके बाद सोनम परी की छड़ी लेकर वापस धरती लोक पर आ जाती है, उसे सारी कहानी बताती है, जिसके बाद परी कहती है, शाबाश, अच्छा हुआ तुमने गलत नहीं किया, वो दोनों जादुई केक के घर मायावी थे जो कि चुड़ैल के बनाए हुए थे। अगर तुम दोनों उनमें से किसी एक घर में भी चली जाती तो तुम कभी वापस नहीं आ पाती। नटखट परी वापस से छड़ी पाकर बहुत खुश होती है और फिर खुश होकर सोनम और रिया से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी काफी मदद की है। जब तुम बादलों में गई थी तब मैंने यहाँ रहकर तुम्हारी सारी कहानी पता कर ली है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है और न ही खाने को खाना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे केक के साथ जो गलत हुआ था वो किसने किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना जादुई केक का घर उपहार के रूप में देती हूँ। उस घर में तुम रह भी सकती हो, उस घर से तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उस घर की मदद से तुम लोग गांव वालों को सारी सच्चाई दिखा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस घर में जाकर खुद देखना होगा कि आखिरकार सच्चाई है क्या। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहां पर परी का जादुई केक का घर प्रकट हो जाता है। इसके बाद सोनम और रिया उस घर में जाती है। उस घर में जाते ही उन्हें मालती की हुई सारी हरकत का पता चल जाता है। फिर बाहर आकर सोनम और रिया परी का धन्यवाद करते हैं,
जिसके बाद परी वापस से परीलोक चली जाती है। सोनम और रिया गांव में आकर लोगों को सारी सच्चाई दिखाते हैं, जिसके बाद लोग मालती का तिरस्कार करके उसे गांव से भगा देते हैं और फिर सोनम और रिया से माफी मांगकर उन्हें वापस से गांव में बसा लेते हैं, जिसके बाद सोनम फिर से गांव में एक बेकरी खोलती है और अपना सपना पूरा करती है। सिया और प्रियंका नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। सिया बहुत ही सीधी सादी भोली भाली थी और प्रियंका बहुत ही मनचली। सिया अपने घर के हालात अच्छे से समझती थी, इसलिए कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के अमीरों वाले शौक थे। एक दिन उनकी माँ उन्हें बाजार से कपड़े दिलाने ले जाती है। माँ वो देखो, लाल वाली फ्रॉक सेल में सस्ती है, मैं अपने लिए यही ले लेती हूँ। सिया सेल की सस्ती फ्रॉक ले लेती है। प्रियंका तुझे कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, तूने अभी तक बताया नहीं। मम्मी मुझे तो यहाँ कुछ अच्छा लगा ही नहीं, मेरी फ्रेंड एक मॉल से शॉपिंग करती है, चलो ना वहाँ से मेरे लिए कपड़े लेते हैं। तू पागल हो गई है क्या, मॉल से कपड़े लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ कुछ पसंद आ रहा है तो ले ले। नहीं मम्मी मुझे कुछ पसंद नहीं आया, आपको मुझे कपड़े नहीं दिलाने हैं तो मत दिलाओ, लेकिन मैं यहाँ से सस्ते कपड़े नहीं लूँगी। प्रियंका बहुत जिद्दी थी और वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती थी। सुमित्रा खुद के लिए कुछ नहीं लेती है और सारे पैसे जोड़कर प्रियंका को मॉल से एक ड्रेस दिला देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनों को स्कूल की तरफ से पिकनिक लेकर जाया जा रहा था। पिकनिक में जाने वाले सभी बच्चों को 200 रुपए देने पड़ते थे। प्रियंका की दोस्त उससे कहती है, अरे प्रियंका तुम्हारे पास 200 रुपए तो होंगे ना पिकनिक के लिए, हम तो वहाँ जाकर बहुत मजे करने वाले हैं। अगर तुम पैसे नहीं दे पाई तो तुम नहीं जा पाओगी, पर हाँ अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी, तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत अमीर हूँ ना। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी मेरी सारी बात मानती है और वो मुझे पिकनिक के लिए पैसे दे देंगी। प्रियंका घर जाती है और सिया से बोलती है, तू पिकनिक पर जा रही है क्या? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पिकनिक जाने के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे, इतने में तो 3 दिन की सब्जी आ जाएगी। ओहो तुझे तो मजे करना आता ही नहीं है, इन सब चीजों के चक्कर में खुशी से जिंदगी जीना मत भूल। मैं तो जा रही हूँ मम्मी से 200 रुपए लेने। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी पिकनिक। प्रियंका सुमित्रा के पास जाती है और 200 रुपए की जिद करने लगती है। बहुत देर तक जिद करने के बाद भी सुमित्रा प्रियंका को पैसे नहीं देती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। प्रियंका को रोता देख सुमित्रा को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे 200 रुपए दे देती है। प्रियंका बहुत खुश होती है और अगले दिन टीचर को पिकनिक के लिए 200 रुपए दे देती है। 2 दिन बाद प्रियंका पिकनिक चली जाती है, उसे वहाँ पर बहुत मजा आता है। इस तरह घर में परेशानी होने के बाद भी प्रियंका खुशी से रह रही थी। 10 साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। प्रियंका को एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से प्यार हो जाता है। प्रियंका दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बिजनेसमैन के बेटे अक्षय को भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो गया था और अब दोनों शादी करने की सोचते हैं। अक्षय अपनी माँ से कहता है, मम्मी मैं और प्रियंका अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अब हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए तुमसे दोस्ती की, फिर प्यार और अब शादी। ये अब कैसी बातें कर रही हो, वो भला मेरे साथ अपना मतलब क्यों निकालेगी? क्योंकि तुम अमीर हो, वो गरीब है, उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें अपने प्यार के माया जाल में फंसाया। अगर उसे तुम्हारी शादी हुई तो हमारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। मम्मी ये पढ़ी लिखी होकर आप कैसी बातें कर रही हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करूँगा। अगर आप खुशी से हम दोनों की शादी नहीं होने दोगी तो मैं मंदिर में उससे शादी करके अलग घर लेकर रहने लगूंगा। इस तरह ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ करना पड़ता है। अक्षय प्रियंका को फोन करके बोलता है, प्रियंका मैंने अपनी मम्मी से शादी के बारे में बात कर ली है, अब तुम भी अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर लो। हाँ ठीक है, आप फोन रखो, मैं अभी मम्मी को इस बारे में बताती हूँ। प्रियंका सुमित्रा के पास जाती है। मम्मी आप अक्षय को जानती हो ना, आप तो उससे मिली भी हो। हाँ तेरा दोस्त है वो, क्या हुआ उसे?
माँ, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। अक्षय बहुत अमीर लड़का है और तुम गरीब। अगर तुमने उससे शादी की तो उसके घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। शादी हमेशा अपने स्तर के लोगों के साथ करनी चाहिए। नहीं मम्मी, यहाँ इतनी गरीबी में मैं इतनी दिक्कत से रही, अब मैं अपनी आगे की जिंदगी दिक्कत में नहीं गुजारना चाहती। मैंने कब तुम्हें किसी चीज की दिक्कत होने दी? हाँ माँ, मुझे दिक्कत हुई है। मैं जितनी आज़ादी और खुशी से रहना चाहती थी उतनी यहाँ मैं नहीं रह सकी। आप हाँ करो या ना, मैं शादी तो उसी से करूँगी। प्रियंका बहुत जिद करती है और आखिर में सिया के समझाने पर सुमित्रा दोनों की शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद प्रियंका और अक्षय की शादी हो जाती है। अक्षय से शादी होते ही प्रियंका का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रियंका अपनी माँ और बहन से फोन करके उनके हाल चाल भी नहीं पूछती थी। अपने ससुराल में वो जी भर के खर्चा करती थी। पूर्णिमा को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो अपने बेटे की वजह से उसे कुछ नहीं कहती थी। वहाँ दूसरी तरफ सुमित्रा सिया की शादी के बारे में सोच रही थी। प्रियंका ने तो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। सिया की शादी तो मैं किसी अमीर घर में नहीं करवा सकती हूँ। दहेज में देने जितने मेरे पास पैसे ही नहीं, लेकिन उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का तो ढूंढना ही होगा। कुछ दिन तक लड़का देखने के बाद सुमित्रा अपनी सहेली के बेटे से सिया की शादी करवा देती है। वो लोग अमीर नहीं थे। सिया का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। प्रियंका अपनी बहन की शादी में नहीं आती है। सिया, मेरी इतनी ही हैसियत है कि मैं तेरी इस तरह के लड़के से शादी करवा सकूं। मुझे पता है लड़कियों के बहुत शौक होते हैं, लेकिन माफ कर दे बेटा, मेरे से वो सब नहीं हो पाया। माँ, आप ये सब क्यों सोच रही हो? मुझे अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ चाहे जहाँ रहूँ। सुमित जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे इनके साथ किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब दोनों बहनों की शादी हो गई थी। प्रियंका अपने घर में खुशी से रह रही थी और सिया अपने घर में खुशी से रह रही थी। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक सिया के पास प्रियंका का फोन आया। हेलो सिया, कैसी है तू? अरे प्रियंका, आखिर इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आ ही गई। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत साल बीत गए तेरे से मिले, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लूं और अच्छे से मिल भी लूं। मैं तुझे लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं और सुमित जी आ जाएंगे और वैसे भी तेरे से मिलने का बहुत मन है मेरा। 2 दिन बाद सिया और राहुल प्रियंका की एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं। प्रियंका का घर बहुत बड़ा था। ये सब देखकर सिया बहुत खुश होती है। प्रियंका के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। सिया ने प्रियंका को जैसे ही देखा तुरंत उसको गले से लगा लिया, लेकिन प्रियंका ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही है सिया? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी, और जब तू आ गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुझे बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब एटिकेट्स हाई क्लास फैमिली की होती है, भला इस बारे में तू क्या जाने। इतना बोलकर प्रियंका अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और सिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सिया अपने मन में सोचती है, अगर प्रियंका को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया क्यों? थोड़ी देर बाद प्रियंका सिया को एक कोने में बुलाती है और कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई सिया, मेरी मेड की तबीयत खराब हो गई इसलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है, क्या तू मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता क्या करना है। प्रियंका सिया को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। सुमित्रा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियंका ने अपने पति से सिया को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने सिया और सुमित्रा से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में सिया प्रियंका से पूछ ही लेती है, सच सच बता, तूने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या अब तू मुझे अपनी बहन नहीं समझती है? बहन? ओ गॉड, किस दुनिया में जी रही है सिया? तू खुद को देख, मेरी बराबर की है क्या? जरा कपड़े और स्टेटस देखो अपना। मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इसी बहाने तू भी हाई क्लास स्टेटस देख लेगी। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे काम का अच्छा खासा पेमेंट दूंगी। सिया को प्रियंका की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत गए।
सुमित ने बहुत मेहनत किया और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से तिगुनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के पति अक्षय पर उसकी ही कंपनी का एक एम्प्लॉय धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगाता है। प्रियंका और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती है। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। प्रियंका को जिन पैसों पर इतना घमंड था वही अब उसके पास नहीं थे। अक्षय और प्रियंका रोड पर आ चुके थे। एक दिन सिया मंदिर से आ रही थी तभी वो प्रियंका और अक्षय को रोड पर देखती है। सिया प्रियंका के पास जाती है। प्रियंका सिया को अपनी सारी परेशानी बताती है। प्रियंका तू मेरी बहन है, अब चाहे जो भी हो, तूने मेरे साथ जो भी किया हो लेकिन मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मैं सुमित जी से बात करूंगी, वो अक्षय को अपनी कंपनी में काम पर लगवा देंगे। सिया सुमित को सारी बातें बताती है। सिया के कहने पर सुमित अक्षय को अपनी कंपनी में काम पर लगवा देता है। उस दिन से दोनों बहनें एक साथ रहने लगती हैं। अब प्रियंका का घमंड भी पूरी तरह से उतर चुका था, इसलिए दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।